डॉक्टर सुभाष चंद्रा को अकेला मोटिवेटर इस देश में नहीं है, बहुत लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं। और ऐसे ही एक मोटिवेटर हमारे बीच में है, दीप्ति जी पंत, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। शी इज़ ए ग्रेट स्टोरी टेलर, प्लीज़ कम। शी इज़ ए डिज़ाइन मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड पैशनेट स्टोरी टेलर, ए स्पीकर विद ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हाईली एनर्जेटिक पर्सन। She uses her storytelling technique to transform simple and mundane workplace conversation into engaging and fruitful ones. So, we would like to have some more life into these faces. They are, some of them are definitely smiling. मैं कहानी कथावाचक हूँ, कहानी कहती हूँ, पर मैं कहानी इसलिए नहीं कहती, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, हाँ, अमित जैन नहीं हूँ मैं, मैं जाकिर नहीं हूँ। मैं जो कहानियाँ कहती हूँ उन कहानियों के पीछे एक मकसद होता है, उन कहानियों के पीछे लोगों की जिंदगियाँ को बदलने का मकसद होता है। मैम, यू आर इनटू स्टोरी टेलिंग, तो आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? वेरी गुड। मेरी फेवरेट स्टोरी है रज़िया सुल्तान की। मोर देन दैट, मेरी फेवरेट स्टोरी है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान का पिता था, उसने उस जमाने में ये हिम्मत करी कि अपनी बेटी को एक सुल्तान बनाया। वेरी गुड। उस पिता की सोच को सोचो, उस पिता की सोच को सलाम कि उसने उस वक्त अपनी कहा कि मेरे पुत्र बेकार हैं, दे कैन नॉट बी ग्रेट रूलर्स, द पर्सन हु विल रूल द लैंड विल बी माय डॉटर बिकॉज़ शी इज कॉम्पिटेंट। लेकिन अल्टीमेटली रज़िया सुल्तान को उसके भाइयों ने उनको मरवा दिया। हाँ, तो इसीलिए मेरी वो कहानी होती, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं इल्तुतमिश की कहानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि कम से कम उस इंसान ने वो बीज तो बोया, बाद में वो परिवर्तित हुआ 300-400 साल बाद जब इंदिरा गांधी रूरल बनी। पर कहीं पे शायद हमारी एशियन इकोनॉमीज में इंडियन विमेन इतनी जल्दी ज़्यादा लीडर्स क्यों हैं अनलाइक वेस्टर्न इकोनॉमीज, क्योंकि हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी उसको सपोर्ट करती है। कि अभी यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार जस्ट मिले हुए 20-30 साल हुए। 1923 में मिला है। हाँ, सो ये एक्चुअली रिसेंटली देयर हैज बीन सम केसेस ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड्स, तो आप स्टूडेंट्स की जिंदगी में किस तरीके का मोड़ लाना चाहेंगी कि उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ एक एंजॉयफुल लाइफ हो जाए? तो बड़ा गंभीर सवाल पूछ लिया है। गंभीर भी, और क्योंकि मेरे बच्चे भी आप ही की उम्र के हैं, तो मैं रोज इन चीज़ों से डील करती हूँ कि मम्मी आज क्लास में मज़ा नहीं आया, आज ये नहीं करूँगा, आज वो नहीं करूँगा, मेरा बेटा फुटबॉल खेलने जाता है, नहीं कोच सर बहुत डांटते हैं, मैं नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से दो तरीके हो सकते हैं एज अ स्टोरी टेलर एंड एज अ मदर, एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी। एज अ स्टोरी टेलर, मैं सच बताऊँ, मैं आपके उम्र के बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, 11, 12th एंड ऑनवर्ड्स मैं बहुत काम करती हूँ इन बच्चों के साथ। ये बच्चे मेरे साथ आते हैं कोचिंग लेने, पढ़ने, तो वो आते हैं और मैं उनके साथ बैठ के ये कहती हूँ कि आपको बनना क्या है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अब आपसे ये शुरू होने से पहले मुझे आप ही के एक इंसान ने पूछा था कि अब क्या आपको क्या क्वेश्चन, आप किस तरह से अपने विजन्स डिफाइन करती हैं। तो मैं इस तरह से कहती हूँ कि 10 साल बाद तुम इसी टाइम पे, इसी सैटरडे को 4 बजे क्या कर रहे होगे, मेरे से ये कन्वर्जेशन करो, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से फिर पीछे जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इज दिस आल्सो अ प्रोसेस टू सेट योर विजन एंड यस। राम को रावण मारना था इसलिए उसने बाली को मारा और उसने सुग्रीव और हनुमान से दोस्ती करी, राइट? अगर रावण को नहीं मारना था, व्हाट वाज द नीड ऑफ द फ्रेंडशिप? हाँ, कोई दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपना कंद फूल खा के 14 साल घूमते रहते, वापस आ जाते। याद भी नहीं करता। तो इसलिए जो है वो 10 साल का मैं विजन नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सीईओ बनो, आप शाहरुख खान बनो, मैं कह रही हूँ सिर्फ ये कहो कि मैं इस शनिवार के शाम, हर शनिवार शाम को 4 बजे में क्या करूँगा। वॉट इज योर डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ अचीवमेंट? That is the only eye conversation I have with them. तो एक और बताइए कि ये can we track our achievement towards the goal in the story? जी, मैं आपको इसके लिए case study बनाऊंगी। एक बहुत corporate ने मुझे एक बुलाया था, तो उनके कुछ high achievers थे और वो लोग achieve suddenly they stopped achieving.
तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनके साथ बैठिए और बात करिए. एक की कहानी मैं बताऊंगी. तो उन्होंने, एक इंसान ने अपनी कहानी बताई मुझे कि वो इंसान जो है केरला में पला बड़ा था और वो अपनी नानी के यहाँ पला बड़ा था. उसकी नानी मंदिर के पास रहती थी और रोज़ सुबह मंदिर जाती थी. अपनी नानी के साथ वो मंदिर जाता था. ऐसी उसकी परवरिश हुई. जो सर कह रहे थे ना, अपने बचपन लोगों का बहुत अगर डिफरेंट हो तो लोग डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं, ये मैंने काफ़ी देखा है. और वो जो है बॉम्बे आया और बॉम्बे में वो रहने लगा और नेचुरली एक पीजी में रहा, ना मंदिर आसपास, ना वो स्पेस केरला, ना वो ग्रीनरी, एंड हिज परफॉर्मेंस वेंट डाउन. पर 3-4 महीने बाद वो एक अपने अंकल के घर में शिफ्ट हुआ जो कि माहिम में एक मंदिर के पास रहते थे. हमने और वो कहानी बता रहा है, मैं सिर्फ नोट्स ले रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंगली, व्हेनेवर हिज स्पेशल अरेंजमेंट वॉज अराउंड अ टेम्पल ही वॉज परफॉर्मिंग समवेयर, दैट टेम्पल की फीलिंग, वो जर्नी उसके मन में रिलैक्स कर देती है. जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी लेवल पे होता है वो. मैं ऐसा समझता हूँ खुद एज इंडिविजुअल कि आजकल मकान तो रह गया है और रोटी कपड़ा की जगह मकान, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये हमारी लाइफ के कॉमन गोल शायद होने चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ. समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इन तीनों पर कोई स्टोरी कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक कॉमन मैन के लिए. ये सर ने कहा था, रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ, ये गोल नहीं होते हैं, ये तो ज़िंदगी की नियम है, ये तो करना ही है. जैसे सांस लेना गोल नहीं होता है, है ना, खाना खाना गोल नहीं होता है. तो ये तो जिंदगी के नियम हैं. These are activities. These are activities of life. And action is what you need to set your goal, and then the actions are decided. Yeah, these are the byproducts of the goals. Yeah. These are the byproducts of the goal. मैं कहूँगी आपका विजन, आपका अचीवमेंट डिजायर, आपकी फाइनल स्टोरी अगर आपके हाथ में है और अपनी फाइनल स्टोरी से आप फेथफुल हैं, आप उससे दूर नहीं जा रहे हैं, तो रोटी कपड़ा मकान हेल्थ भगवान गुरु माँ बाप पत्नी पति बच्चे सब लाइन में आ जाते हैं, सब लाइन में आ जाते हैं. अगर आपको क्लियर है कि आपको रावण को मारना है तो सब लाइन में आ जाते हैं, पर वो रावण तो ढूंढिए पहले आप. यस, जब तक आप अपना विजन तय नहीं करेंगे तब तक कोई, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं कुछ भी कर पाएंगे. दीप्ति जी, मेरे दर्शकों से जो घर बैठे देख रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपनी कहानियों की रचना खुद करो, पर ये मत समझो कि तुम अकेले हो उसे रचने के लिए. तुम्हारे साथ पूरा जहाँ है, अपने माँ बाप हैं, तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं और सारी सोसाइटी है. पर ये भी समझो कि अगर कहानी थोड़ी अलग होगी तो वक्त लगेगा लोगों को समझने में, उन्हें वक्त दो. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. दीप्ति जी आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड मैं ज़रूर आपका ये आज जो आपका आश्वासन है, मैं ज़रूर आऊँगा आपसे स्टोरी सुनने. थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर मीटिंग यू इटसेल्फ सर, आई एम सच अ फैन ऑफ योर्स. बिग हैंड फॉर दीप्ति जी. तो आज की बात से हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या सीखा, क्या कंक्लूजन हमारा? नंबर वन, कि सक्सेस मीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. एक बात, क्या ठीक है ये बात? और वी ह्यूमंस आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर बीइंग्स. वी कैन नो, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, व्हिच अदर बीइंग्स कैन नॉट डू इट. एंड वी ऑल्सो कंक्लूडेड दैट मटीरियल सक्सेस इज नॉट नेसेसरली ए रियल सक्सेस एंड व्हिच मेक्स यू हैप्पी. तो और विदाउट सेटिंग अप ए विजन और ए गोल, लाइक उन्होंने कहा कि रावण को मारने का अगर गोल नहीं होता राम के सामने तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करते और वो शायद लोगों के सामने वो कहानी शायद आने से रह भी जाती और आती भी नहीं. एंड एक्वायरिंग नॉलेज हेल्प्स अस टू वाइडन अवर ऑर्बिट्स. एक स्टूडेंट केवल इसलिए ना बने रहो कि मुझे ज़िंदगी में नौकरी करके और अपना रोटी कपड़ा मकान और या कहिए मकान और हेल्थ और नौकरी और जो भी वो करना है अचीव, बल्कि ज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखिए. वो सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com.
या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।